बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होम टाउन एसोसिएट्स। आज मैं एक प्राइम लोकेशन पे मौजूद हूँ और यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक मुनफरद प्रोजेक्ट के हवाले से। DX वालों का ये एक मुनफरद प्रोजेक्ट है जो बहुत अच्छी लोकेशन पर बनने जा रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ जिना एवेन्यू पर, इसकी ऑन साइड लोकेशन पर। ये प्लाट नंबर B32 है, यानी बी साइड का प्लाट नंबर 32 है। बिल्कुल मेन गेट से तकरीबन 500 से 600 मीटर की ड्राइव पर है ये। अगर इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू के ऊपर वेस्टर्न सर्विस रोड पर आता है। इसकी सराउंडिंग्स के हवाले से आपको बताया चलूं तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, जहाँ ऑफिसेज़ वगैरह रन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में बिज़नेस भी किए जा रहे हैं। जैसे इसके बिल्कुल सराउंडिंग में GM ट्रेड टावर आता है, डोमिनियन वालों का प्रोजेक्ट आता है, इसके अलावा SQ29 वगैरह, ये सब इसके प्रोजेक्ट इसकी सराउंडिंग्स में आते हैं। मज़ीद मैं आपको इसकी सराउंडिंग्स के हवाले से बताया चलूँ तो इसकी सराउंडिंग्स में डोमिनियन वाला, SQ टावर, ये सब चीज़ इसकी सराउंडिंग्स में आते हैं। अगर मैं यहाँ आपको रेट्स के हवाले से बताया चलूँ तो ये ग्राउंड प्लस 18 का ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। अगर मैं यहाँ आपको रेट्स के बारे में बताया चलूँ तो यहाँ जो इसके शोरूम के प्राइस हैं, 4 शोरूम बनने जा रहे हैं। एक शोरूम का जो पर स्क्वायर फीट आता है वो तकरीबन 1 लाख रुपये पर स्क्वायर फीट यहाँ रेट है। इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर से लेकर 18 फ्लोर तक ऑफिसेज़ बनने जा रहे हैं, जो तकरीबन 16,000, 15,000, 13,000, इस तरीके से डिफरेंट स्लोप पर डिफरेंट प्राइस देखने को मिलेंगे। मज़ीद इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताया चलूँ तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने प्रीवियस जो अपने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, आज वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पर हैं या फिर वो क्लाइंट्स को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इसके अलावा किसी और प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट शो करवाते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद आने वाली वीडियोस तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।